गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं अनुसंधान केंद्र। कल भी हमारी ट्रेनिंग हुई थी, बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई प्रधान साइंटिस्ट साहब दीपक साहब के साथ, डॉक्टर साहब कोमावत सर और डॉक्टर साहब महेंद्र जी चौधरी, डॉक्टर साहब पवन जी गुजर साहब के साथ। अभी हम जा रहे हैं और भी ज़्यादा नॉलेज और भी ज़्यादा ब्रीफिंग करेंगे वो, फिर मिलते हैं। यहाँ पूरी थार शोभा खेजड़ी लगी हुई हैं, इनके बीच में गैप है, वो लगभग 12 फुट का गैप है और जो ये बीच का गैप है ये 20 फुट का गैप है। और यहाँ पे बहुत से पौधे लगाए हुए हैं पूरा। अभी ये भैया इसको पुनिंग कर रहे हैं, ये देखिए अनुसंधान केंद्र का बहुत ही बड़े क्षेत्र में लगा हुआ है। सर हमें ब्रीफ कर रहे हैं, ये मौसमी का पौधा है और मौसमियाँ लगी हुई है। ये देखो इतनी इतनी बड़ी बड़ी मौसमियाँ, पूरा बाग लगा हुआ है यहाँ पे। ये देख रहे हो आप बहुत ही अच्छे, देखो कितनी मौसमियाँ लगी हुई है बहुत ही। और पूरी टीम द्वारा हमें पूरा ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह कैसे ये उत्पादन लेना है। और ये पुनिंग की हुई है खेजड़ियों की, खेजड़ियों की टोटली पुनिंग। ये खेजड़ी की पुनिंग करते हुए भाई साहब, हाँ ये खेजड़ी की पुनिंग कर रहे हैं, लूपिंग यहाँ पे लूपिंग कर रहे हैं। ये डॉक्टर साहब महेंद्र जी सर हमें पूरा इंस्पेक्शन करवाते हुए, राम न्यास जी खेजड़ी साहब थार शोभा, ये थार शोभा खेजड़ी है इसकी आराम से आप इसकी, हाँ इसकी जो सांगरी है वो इजी वे इजीली तोड़ सकते हो, कोई इसमें कांटे नहीं होते हैं, कहीं से कुछ भी अंदर घुसो, कहीं से भी अंदर घुसो, बहुत ही इजी है ये। ये एलोवेरा भी अनुसंधान केंद्र में लगाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सीक्वेंस में लगाया गया है, क्योंकि ये तो खुद बहुत ही जानकार हैं और डेमो स्टेशन के लिए इसको लगाया गया है। ये देखिए अभी सर हमें डॉक्टर साहब पुनिंग करके बता रहे हैं कि कैसे पुनिंग। ये झाड़ बेर हैं, ये देखिए पूरे झाड़ बेर लगे हुए हैं, झाड़ बेर के पौधे और ये कैर के भी पौधे लगे हुए हैं, सीक्वेंस से लगाए हैं अनुसंधान केंद्र। बिना कांटों वाले कैर पे भी अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रयोग चल रहा है। बेर की भी अलग अलग वैरायटी के पौधे लगे हुए हैं, कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं बेर के? थार सेविका, भूबराज, अच्छा, कोला, सेव, इनका उत्पादन बढ़िया है डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा डॉक। थार सेविका इसका ये अलग स्वाद है, इसका बेर की क्वालिटी अलग है, अच्छा, इसका मिठास अलग है, अच्छा। ये फालसा है जो कि ज्यादातर पुष्कर के पास पाया जाता है, इसमें आयरन और विटामिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, बहुत ही इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा फल है ये। आज अनुसंधान केंद्र में प्रधान साइंटिस्ट दीपक जी, डॉक्टर साहब वगैरह बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया, और सर रामनिया जी सर वगैरह भी अच्छे तरीके से ब्रीफ किया, इनके साथ संवाद। अनुसंधान केंद्र में पूरी पौधशाला है, अलग अलग प्रकार के पौधे, ये नींबू प्लांटिंग मेंटल यहाँ पे तैयार किया जाता है। अभी आपको अंदर ले चलता हूँ मैं, ये क्या है प्रेम जी? बेलपत्र, अच्छा, बेलपत्र है ना, अच्छा। ये पौधशाला है, ये कहीं के पौधे हैं सर? निकाल के रखे हैं ये वाले के, हाँ ये इधर है मलबेरी के प्लांट, मलबेरी, अच्छा,
ये वैरायटी है थार, थार वैरायटी है ना, लोहित और हरित दो वैरायटी हैं, लोहित और हरित। ये किसका है सर? ये फीक के पौधे हैं, वो गुंदा है। ये क्या है, ये कौन सा? ये सीसम लगी हुई है, ये खजूर, ये संतति प्रखंड। ये देखो फूलों के पौधे लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छी सीनरी है यहाँ पे अनुसंधान केंद्र में। अनुसंधान में माननीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह फरोदा द्वारा उनके कर कमलों से इसका जो उद्घाटन हुआ था। क्या सर ट्रेनिंग हो गई? बहुत शानदार ट्रेनिंग। अभी लंच टाइम हुआ, लंच टाइम हुआ, थोड़ा घूम के आते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत शानदार ट्रेनिंग हुई हमारे डॉक्टर राजेंद्र, क्या नाम उनका, महेंद्र जी चौधरी, किशन लाल जी, ये भी पद्म भूषण डॉक्टर राजेंद्र सिंह फरोदा द्वारा इनका उद्घाटन हुआ था। और ये बहुत ही अच्छा, ये पूरा गेट बना हुआ है। अभी लंच टाइम हुआ है, डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ब्रीफ किया कि भाई इस तरीके से आप क्या करें। ये देखो ये पूरा गेट है, ये मदन जी चौधरी, प्रेम जी, नारायण जी, जिला प्रमुख बीकानेर भी यहाँ पधारे हुए हैं। और ये देखिए, ये पूरा अनुसंधान केंद्र का बाहर का व्यू। अनुसंधान केंद्र में पानी भर गया है ऊपर छत पे, तो हमारे प्रेम सुख जी इसको निकाल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की बिल्डिंग है और गवर्नमेंट की बिल्डिंग का रख रखाव सबका हक होता है कि भाई सब इसको प्रोत्साहन दें। हाँ, और ये केयर और सांगरी सुखाने के लिए कमर्शियल पर्पस से ये गृहणी जो भी 5-10 किलो सुखाने के लिए है। और ये भी स्टैंड है सुखाने के लिए ही है। अभी डॉक्टर साहब हमें लैब में ले जाएंगे, लैब में किस तरह से इस अपनी सांगरी को सुखाना है, किस तरह से मैनेज करना है, उसके बारे में बताएंगे। ये है प्रयोगशाला लेबोरेटरी, संरोपण कक्ष, केंद्रीकृत प्रयोगशाला, जिसमें डॉक्टर साहब महेंद्र जी, डॉक्टर साहब पवन जी हमें सांगरी के बारे में बता रहे हैं, सांगरी की गुणवत्ता और इसके जो भी बेनिफिट्स वगैरह हैं उनको प्रॉपर करके, प्रॉपर इनकी पैकिंग करके किसान एवं सभी भाई लोग अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। ये प्रयोगशाला है, इसमें बहुत से प्रयोग होते रहते हैं। अभी ये खोका जो सांगरी के खोका होता है, खोके को अपने बिस्किट में भी काम में लिया जा सकता है। प्रयोगशाला में काचरी रखी हुई है, पिल्लू रखे हुए हैं, कैर रखे हुए हैं, ये देखो गुंदा रखे हुए हैं, सांगरी रखी हुई है। बहुत से अनुसंधान इस केंद्र में, बहुत से शोध कार्य चलते रहते हैं। ये है खोका, बहुत ही उपयोग में, ये बिस्किट में उपयोग में किया जाने वाला है। चलो चलते हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी अनुसंधान केंद्र बीकानेर ने। इसके लिए डॉक्टर साहब दीपक जी, कुमावत सर, महेंद्र जी, डॉक्टर साहब पवन जी, इनके हम आभारी रहेंगे। खेजड़ी के विषय में, प्लांटेशन, बेर के विषय में, बहुत से पौधों को नर्सरी के बारे में और लैब में ले जाके पूरा एक एक इंस्ट्रूमेंट है, एक एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी, कैसे अपने प्रोडक्ट को अपन मार्केट में ले जाएं एवं किसान आर्थिक रूप से अपनी आय के अकॉर्डिंग सुदृढ़ बना रहे। इसलिए पुनः मैं एक बार डायरेक्टर सर का एवं सभी डॉक्टर टीम का धन्यवाद अदा करता हूं। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं घंटी का बटन दबाकर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले व्लॉग के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एवं मैं अभी आपको बता देता हूं कि आज अपना ये व्लॉग क्लोज करते हैं एवं सुबह बहुत ही बेहतरीन जगह पे आपको दर्शन कराऊंगा। इसके लिए आप मेरा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखें। धन्यवाद, नमस्कार।